खबरों का सिलसिला भोपाल से खबर, जहां गुना में भारत माता की जय बोलने पर सजा के मामले में अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। सरकार को ऐसे मामले में गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार कार्रवाई करने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। बता दें, कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछा गया और सरकार पर हमला बोलने की कोशिश की गई है। गुना में एक स्कूली छात्र को महज इसलिए दंड दिया गया क्योंकि उसने भारत माता की जय बोला था। राष्ट्रगान संपन्न होने के बाद छात्र ने भारत माता की जय बोला, जिसके बाद कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि टीचर ने उसे सजा दी, नीचे बैठाकर उसे सजा दी, दंड दिया। और ये मामला जब परिजन तक पहुंचा, उसके बाद सामाजिक संगठनों तक पहुंचा, इस पर नारेबाजी की गई, कार्रवाई करने की मांग की गई। हालांकि स्कूल प्रबंधन का कुछ और तर्क है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि ये मामला है ही नहीं बच्चे को दंड देने के पीछे, वजह कुछ और है। परिजन कह रहे हैं कि भारत माता की जय बोलने पर उसे सजा दी गई, दंड दिया गया। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन इस पूरे मसले पर अब नई सियासी बहस छिड़ गई है और कांग्रेस को एक मौका मिल गया है सरकार पर हमला बोलने का। और सवाल पूछ रही है कांग्रेस की, आखिर इस तरह की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, इस पर सरकार क्या एक्शन ले रही है। ताकि जय बोलने पर अगर इस तरह की कार्रवाई की जाएगी तो निश्चित तौर पर सरकार दोषी है। सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है, और जब सरकार के लोग भारत माता को माता नहीं मानते तो आज स्कूलों की ये दुर्दशा होना स्वाभाविक है। जिन लोगों ने 52 साल तक तिरंगे झंडे को अपना झंडा नहीं माना, उनकी सरकार में हम यही उम्मीद कर सकते थे। बहुत ही निंदनीय घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, कार्रवाई करना चाहिए। और सरकार को शिक्षा मंत्री से जवाब मांगना चाहिए कि शिक्षा मंत्री के रहते हुए यदि मध्य प्रदेश में भारत माता की जय बोलना अपराध होगा तो भारत माता की जय हिंदुस्तान के बाहर कहां बोल पाएगा आदमी। और इधर देखिए, कांग्रेस की तरफ से तो आपने सुन लिया, बीजेपी की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रियाएं आई है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी इस पर अपना बयान दिया। भारत माता की जय रोकना ये बदतमीजी में आता है और ये किसी को भी करने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो मिशनरी के स्कूल हो, चाहे वो दूसरों के स्कूल हो, चाहे मदरसे हो, चाहे कोई भी हो। ये ध्यान रखो, जय सबको बोलनी पड़ेगी। तुम्हारा मुंह अगर बोलने में थरथराता है, कपता है, तो तुम नहीं बोलो, पर मना नहीं कर सकते। तुम अगर मना करोगे तो सजा भुगतो, सजा देंगे ना। अब बोला ना मंडे को, तो उनका प्रशासन ही खुद ही सजा देगा, स्कूल प्रशासन सजा देगा। ये मध्य प्रदेश है भाई साहब, ये सोनिया आंटी वाला प्रदेश नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी शासित भारतीय जनता पार्टी के शिवराज शासित राज्य है। इस बात के कृत्य के लिए स्कूल की निंदा करता हूँ, और मैंने कलेक्टर को दिशा निर्देश दिया है कि आप हर स्कूल के अंदर, चाहे वो क्रिश्चियन स्कूल हो, चाहे किसी भी जाति के व्यक्ति का स्कूल हो, भारत माता की जय बोलना हमारा नैतिक अधिकार है और हमारा धर्म और कर्म भी बनता है और हमको बोलना चाहिए। तो कलेक्टर को मैंने निर्देशित किया है कि हर स्कूल में प्रेयर के बाद, प्रार्थना के बाद भारत माता की जय बच्चों से बुलवाना ही कंपलसरी है। और इस प्रकरण में मुझे ये भी मालूम पड़ा है कि स्कूल अथॉरिटी ने, मैनेजमेंट ने माफ़ी भी मांगी है और उस टीचर के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है जिसने उस बच्चे को डराया, धमकाया या कॉलर पकड़ा। तो हम छोड़ेंगे नहीं, जिसने भी गड़बड़ की है उसको दंडित किया जाए। चलिए, बड़ा हैरान करता है ये पूरा मामला कि आखिर भारत माता की जय बोलने पर एक छात्र को इस तरह की सजा कैसे दी जा सकती है, दंड कैसे दिया जा सकता है। और इस मसले पर देखिए सियासत हो रही है। और बेहतर समझेंगे इस पूरे मामले को, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए। मनोज जी, महेंद्र सिंह सिसोदिया एक तरफ कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई के लिए एक्शन लिया है और हमने एक नियम भी लागू कर दिया है कि भारत माता की जय बोलना ही होगा, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस इसे एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इन सब बातों को लेकर कई बार विवाद खड़े होते रहे, खासकर स्कूलों में। और वो स्कूल जो मिशनरी में आते हैं तो कई बार ऐसी चीज़ें सवाल उठाते जाते रहे, लेकिन ये फिर एक बार एक मसला सामने आया। दरअसल गुना का मसला, जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, जहां भारत माता की जय बोलना महंगा पड़ा और उसके साथ जो छात्र थे उनके साथ कार्रवाई भी की गई, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये मसला सामने आया
तो फिर रामेश्वर शर्मा जो अपने बयानों के लिए हमेशा जाने जाते हैं, उन्होंने भी साफ कर दिया कि इस तरह के बयान बर्दाश्त नहीं होंगे। ये भारत है, हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश है, यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, तो ऐसी बातें नहीं चलेगी यहाँ कि आप भारत माता की जय नहीं बोल सकते या ये सब। इसके बाद ये विवाद और गर्मा गया। कांग्रेस ने जरूर इस पर सवाल खड़े किए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, भारत में सबको बोलने का अधिकार है, पर हमें लगता है ये सियासत की तरफ दिखाई दे रहा है। और जब जब दीपक इस तरह के मसले सामने आते तो इस पर जमकर सियासत गर्माती है। देर रात को ज़रूर ऐसी खबरें आ रही है कि जो संबंधित स्कूल है उसने बाकायदा पत्र लिखकर माफ़ी भी मांग ली और ये भी कहा है कि अब ऐसा नहीं होगा। पर सवाल यही, क्या मध्य प्रदेश में रहकर, भारत में रहकर भारत माता का जय बोलना गलत है? तो ये फैसला शायद स्कूल के लोग या बाकी लोग करेंगे, पर इस पर सियासत जमकर गर्माई हुई है। बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी इस बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक देखिए, नया विषय सियासी मुद्दा बन गया है, कांग्रेस ने इसने लपकने की कोशिश की है, लेकिन सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई की है और हमने संज्ञान भी लिया है इस मामले में। दरअसल देखिए, आपको पूरा मामला बता दें, गुना से यह मामला सामने आया जहां एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले छात्र को भारत माता की जय का नारा लगाने पर सजा दी गई। स्कूल टीचर पर छात्र ने आरोप लगाया कि उसने जैसे ही राष्ट्रगान खत्म होने के बाद भारत माता की जय का नारा लगाया, वैसे ही टीचर ने नाराजगी जाहिर करते हुए उसके साथ मारपीट की। उसे पूरी क्लास के सामने 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक नीचे बैठाकर पढ़ाई करने की सजा दी गई। घटना की जानकारी जैसे ही छात्र के परिजन को लगी तो वो स्कूल जा पहुंचे और विरोध दर्ज कराया। मामले की खबर जैसे ही शहर में फैली तो कई सामाजिक संगठन से जुड़े लोग भी स्कूल पहुंचने लगे। उन्होंने स्कूल में भारत माता की जय के नारों के साथ धार्मिक मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। इधर मौके पर पुलिस भी पहुंची, प्रशासन की टीम पहुंची जिन्होंने लोगों को समझाइश देकर वहां से हटाया। खत्म होना, मैंने भारत माता की जय चिल्ला दिया। जैसे मैंने चिल्लाया तो एक सर हैं जस्टिन सर, वाय उन्होंने मेरे ऐसे कॉलर पकड़ के खींचा और उन्होंने कहा वोट आर यू सेइंग, गो टू द प्रिंसिपल। फिर मैं जब वापस क्लास में गए तब उन्होंने डांटा। और एक हमारी क्लास का कोई वाइस कैप्टन कुछ बन गया था, क्या नाम है उसका, अभिमन, तो मैम ने कहा एक बच्चा हमारा नाम रोशन कर रहा है, तुम हमारा नाम डुबा रहे हो। और उसके बाद मैम ने कहा अब तुम पूरे दिन के लिए जमीन पे बैठोगे। क्रिश्चियन स्कूल हो चाहे किसी भी जाति के व्यक्ति का स्कूल हो, भारत माता की जय बोलना हमारा नैतिक अधिकार है और हमारा धर्म और कर्म भी बनता है और हमको बोलना चाहिए। तो कलेक्टर को मैंने निर्देशित किया है कि हर स्कूल में प्रेयर के बाद, प्रार्थना के बाद भारत माता की जय बच्चों से बुलवाना ही कंपलसरी है। भारत माता की जय मैं नहीं बोलूंगा क्या? नहीं बोलेगा। राष्ट्रगान के बाद भारत माता की जय बोलना ही पड़ेगा और स्टाफ पे कार्रवाई होगी, टिकट में देना पड़ेगा इन्हें। मैडम टॉर्चर करती है, नीचे बैठो कि मैंने इसको बिठा रखा है। किसी को ऑब्जेक्शन है ही नहीं भारत माता का बोलने पे, हम भी तो उस देश में रहते हैं, नहीं तो फिर बोलते हैं भारत माता की जय। नहीं तो फिर ये विवाद क्यों बढ़ा? विवाद है ही नहीं है, कोई विवाद ही नहीं है। तो फिर ये कह रहा है भारत माता की जय में कोई विवाद नहीं है, बच्चों ने बोला था, बोला था, लेकिन बच्चे को किसी दूसरी वजह से अगर उसको बैठा के नीचे बैठा के काम कंप्लीट करने के लिए दिया जाए तो भारत माता की जय बोलने की वजह से कोई विवाद नहीं।